हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल देसी ट्रैक्टर विथ एग्रीकल्चर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये मल्टी क्रॉप्ड धान थ्रेसर है, इस धान थ्रेसर को हम किस टाइप से, मल्टी क्रॉप्ड धान थ्रेसर है, हम इस धान थ्रेसर को किस टाइप से, मतलब गेहूं वाला थ्रेसर, धान थ्रेसर बनाए और ये सक्सेस हो। तो देखिए गाइस, ये मल्टी क्रॉप्ड धान थ्रेसर में हमें क्या करना है, कैसे सिस्टम बनाना है जिससे ये जो है गेहूं का थ्रेसर बन सके और काफ़ी सक्सेसफुल अपने आप में हो सके। चलिए आपको बताते हैं इसकी जो सेटिंग है उसको करना कैसे है, जिससे आपका जो भूसा है, गेहूं का जो भूसा है, वो एक नंबर का ये धान थ्रेसर बना सके। तो देखिए, ये जो माउथ है इसमें जो बोल्ट लगे हैं, सबसे पहले यदि आपका भूसा नहीं बना रहा है और गैपिंग, ये जो छोटे गैप है ना, इनमें भी पूरा बोल्ट या कटर लगा दीजिए और ये जो बोल्टे हैं इसको एकदम जाली के नज़दीक कर दीजिए। जाली के जितना नज़दीक होगा उतना ही, मतलब जाली से थोड़ा सा छुटा रहे और सारे बोल्ट और कटर वो पूरे नज़दीक हो जाएं जाली के। और ये जालियां जो है, ये धान वाली जालियां हैं, ये धान वाली जालियां से गेहूं वाली जालियां बनेंगी, जिससे आपका ये गेहूं थ्रेसर बन जाएगा। और जो जहां से पैरा फेंकता है, इधर जो है पैरा फेंकता है, वहां पे पूरा पैक हो जाएगा ऑल टोटल। थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं होना चाहिए, बारीक गैप भी नहीं, एकदम से पूरा फुल पैक कर दीजिए। और जो ये ऊपर छेद दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के ये सारे छेद दिख रहे हैं, इन छेदों में पूरे बोल्ट लग जाएंगे और ऊपर से भी, मतलब जैसे गेहूं थ्रेसर रहता है, ऊपर से भी मतलब तोड़ने के लिए छोटे छोटे लोहे की प्लेटें लग जाएंगी, जिससे वो भी मतलब बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए यदि आपके गेहूं थ्रेसर में मतलब भूसा अगर अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ये जो जालियां हैं, ये जो जालियां हैं, इसमें आप क्या करिए, चद्दर बिछा दीजिए और थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक एक हाथ की गैपिंग रहे नीचे साइड, और ऑल टोटल चद्दर बिछा दीजिए यहाँ से लेके पूरा पूरे ड्रम में नीचे साइड, जिससे आपकी जो भूसा है वो बारीक हो जाएगा, छोटे साइज का बनेगा। थैंक यू गाइस, अभी इतना ही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये मल्टी क्रॉप्ड धान थ्रेसर है इसको जब बनाएंगे, तो आपको और बताएंगे कि कैसे बनाना है जब बनाने का टाइम आएगा। तो